Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and PCS examination journeys. It has more than 23 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. And To The Point एक ऐसी series है जहाँ पे हम लोग current affairs की बात करते हैं prelim point of view से and उन current affairs को identify करते हैं जो कि prelims में पूछे जा सकते हैं directly और indirectly and उसको हम cover करते हैं यहाँ पे. And once a topic is done in this particular series, you can consider that topic to be done for your prelim examination. And if you wish to cover current affairs holistically, so we have this course that is already going on for pre as well as for your mains. And it is available in both offline as well as online format. And also you get a 7 days free trial. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट. आप एक बारी कोर्स की क्वालिटी चेक कीजिए एंड उसके बाद में यू में ज्वाइन. एंड वंस द कोर्स इज कम्प्लीट है ना, थ्रू आउट चलता रहता है ये, वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेज होती हैं इसमें, सैटरडे एंड मंडे. एंड वंस द थिंग इज डन, आपके लिए करंट अफेयर्स एक बर्डन नहीं रहेगा एंड इट विल बी डन फॉर यू, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज बाली यात्रा और बाली यात्रा, राइट, ऑफ उड़ीसा. तो उड़ीसा में एक फेस्ट लगता है बाली यात्रा. सबसे पहले देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम. ये तो 1000 ईयर ओल्ड ये फेस्टिवल है एंड सडनली ये न्यूज में आया है बिकॉज ये एड्रेस किया गया है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू. प्राइम मिनिस्टर इन हिज एड्रेस टू द इंडियन डायस्पोरा इन बाली, G20 समिट हुआ है अभी बाली में, इंडोनेशिया में. तो उसके बाद में साइड लाइन्स पे वहाँ पे ये इंडियन डायस्पोरा को मैंशन किया हुआ था. क्या मैंशन किया? अबाउट द एनुअल बाली यात्रा ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर. देखिए ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है. महानदी रिवर, ठीक है, महानदी रिवर के किनारे पे ये होता है. दैट कोमेमोरेट्स एज ओल्ड लिंक्स बिटवीन एंशियंट कलिंग की जो डायनेस्टी थी एंड साउथ ईस्ट एशिया. इन दो डायनेस्टीज के बीच में जो लिंक था उसको कोमेमोरेट करने के लिए ये जो है बाली यात्रा वो लगता है, क्योंकि वो इन दिनों में स्टार्ट हुआ करती थी. चलिए, इट इज ऑर्गेनाइज, लेट्स सी कि क्या चीज है ये. इट इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, it is organized every year to commemorate the 2000 year old maritime and cultural links between ancient Kalinga, jo ki aaj ka Odisha hai, and Bali and other south and southeast Asian regions like Java, Sumatra, Borneo, Burma which is Myanmar, and Ceylon which is Sri Lanka. So naam halanki uska Bali yatra hai, but it is not limited to represent ki ye Bali ke sath connection tha. इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल कनेक्शन जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ में कलिंग का होता था, कलिंग डायनेस्टी का. इट इज अ यूनिक सोशियो कल्चरल इवेंट विद ग्लोरियस हिस्ट्री विच कोमेमोरेट्स द पास्ट एसोसिएशन ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा विद द बाली एंड द ग्लोरियस मैरिटाइम ट्रेडिशन ऑफ द ट्रांस ओशियनिक वॉयजेस दे अंडरटुक टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ठीक है, द ओरिजिन्स ऑफ द फेस्टिवल विच बिगिंस ऑन कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक मंथ की पूर्णिमा, पूर्णिमा होता है फुल मून, कैन बी ट्रेस्ड बैक मोर देन 1000 ईयर्स. तो जो कल्चरल लिंक्स हैं, कल्चरल लिंक्स हमारे 2000 साल पुराने हैं और जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है ये 1000 ईयर ओल्ड है और तब से ये सेलिब्रेट हो रहा है कि जो कनेक्शन है उसको सेलिब्रेट करते, कमेमोरेट करते हैं. आगे चलते हैं. द सेलिब्रेशन ऑफ बाली यात्रा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर महानदी टेक्स अस बैक टू रिमेंबर आवर एंसेस्ट्रल कल्चरल हेरिटेज and maritime legacy. During this period, the traders of Odisha, ठीक है जी, जिनको बोला जाता है सदाबा पुआस. अब ये देखो टर्म आया है एक नया, है ना, तो टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो है यूपीएससी बहुत सवाल पूछता है. एंड इनकेस अगर आप एंशियंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं तो उसमें आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ जाते हैं वहाँ पे, एंड इट हैपन्स कि आपको सब याद नहीं रहते हैं और कन्फ्यूजन भी हो जाती है. बट इफ सच थिंग इज हाईलाइटेड इन दी करंट अफेयर्स तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है कि यहाँ पे ये चीज निकल के आई है तो दैट मींस कि इंपॉर्टेंट तो होगा, राइट. वर अंडरटेकिंग वॉयजेस अलोंग सी ट्रेड ऑन ह्यूज बोट्स कॉल्ड बोयता. अब देखो एक और टर्म आया है, सदाबा पुआस एंड बोयता, एक ये टर्म है और एक बोयता टर्म है. फ्रॉम दिस प्लेस ऑन फुल मून डे इन द मंथ ऑफ नवंबर. बेसिकली जो सदाबाज हैं इसका जो लिटरल मतलब है, इट इज एंशियंट मैरिनर्स फ्रॉम कलिंग.
इफ यू आर मेकिंग नोट्स, दिस इज द थिंग जिसको आपको हाईलाइट करके रखना है कि सदाबा का मतलब होता है एंशियंट मैरिनर्स जो कलिंग से बिलोंग करते थे, और उड़िया भाषा का ये शब्द है. प्रॉबेबली मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा लैंग्वेज का और डायलेक्ट का डिफरेंस है, बट स्पेल ये ऐसे ही होता है, और लेट्स कॉल इट सदाबा ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस पॉपुलर आइटम्स ऑफ ट्रेड, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या ट्रेड क्या होता था, मैरिनर हैं अगर वो ट्रेडर्स हैं जैसे कि ऊपर लिखा है हमने ट्रेडर्स ऑफ ओडिशा. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस पॉपुलर आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कलिंग एंड साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडेड पेपर, सिनेमन, कार्डमम, सिल्क, कैम्फर, गोल्ड एंड ज्वेलरी, है ना, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं उसके उसके अंदर ट्रेड होता था. करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर इसको हम देखें, हालांकि ये थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जाता है, ये प्रीलिम्स के अंदर इसके ऊपर नहीं पूछेंगे, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हल्का सा डिस्कस करते हैं. अभी क्लास में हमने बहुत डिटेल में किया था इसको. द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज बाय कटक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली एक फेस्टिवल लगा है ना, तो इट स्टिमुलेट्स इकॉनमी, इट जनरेट्स डिमांड्स, तो एक्सचेंज ऑफ मनी हैपन्स, द मनी चेंजेस हैंड्स, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ मनी विच मीन्स हाउ फास्ट मनी चेंजेस हैंड्स, इट इंक्रीजेज विद सच फेस्टिवल्स, तो गवर्नमेंट प्रमोट्स इट. तो इन्होंने लगभग यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1500 स्टॉल्स को भी जो थे वहाँ पे परमिशन दी थी ऑक्शन के थ्रू, है ना, एंड द फेयर इज एस्टिमेटेड टू सी बिजनेस वर्थ मोर देन 100 करोड़. तो दिस गिव द इकोनॉमिकल एंगल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. बिसाइड्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, बाली यात्रा हैज एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल डायमेंशन. तो ये उसी को हाईलाइट कर रहा है कि चलो वो तो है ये, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स द 9-day फेस्टिवल. तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर बस यही इंपॉर्टेंट है. और एक और चीज़ है कि देयर इज दिस कल्चर कि जैसे आपको पता होगा धनतेरस जब आता है तो पीपल प्रेफर कि उन उस दिन पे कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाएं, वैसे ही इस फेस्टिवल के दौरान जो है शॉपिंग जो है लोगों की वो बढ़ जाती है, है ना. पीपल प्रेफर टू बाय ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा चीज़ें इन इस इन फेस्टिवल्स के दिनों में. तो दैट ऑल्सो हाईलाइट्स कि कैसे जो है इसकी इकॉनमी, ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है, इकॉनमी स्टिमुलेट करता है. लेट्स सी कि सवाल कैसा बन सकता है. पढ़िए इसको एक बार, वीडियो पॉज कीजिए और जरूर आप कमेंट में इसका आंसर भी लिख के दीजिए. ओके, आई विल मूव ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पाली यात्रा, राइट. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमारा ब्रेन ट्रेंड होता है कि करेक्ट वर्ड हमने ज्यादा पढ़ा होता है, इनकरेक्ट कम पढ़ा होता है. एंड यहाँ तो फिर भी ठीक है क्योंकि एक ही बार आया है. जस्ट इमेजिन कि यू आर गिविंग द एग्जाम और उसमें लाइन में अपने 5 करेक्ट पढ़ दिए तो बीच में एक इनकरेक्ट आ गया, तो ब्रेन स्किप्स इट. तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली ईच एंड एवरी टाइम, नो मैटर हाउ इजी द क्वेश्चन इज. तो बात में कुछ बात छुपी होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बाली यात्रा. नंबर 1, इट इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी. It commemorates the 2000-year-old maritime and cultural links between ancient Kaling, which is today's Odisha, and Bali. It is a time when people purchase everything from automobiles and electronic devices to local artisanal products. Last, it is organized in West Bengal. है ना? अब देखिए सारे statements सही हैं, एक को छोड़ के, which is कि West Bengal में नहीं है, अभी हमने देखा, it is in Odisha. तो ये अगर सवाल आपका वैसे आएगा तो it will fall under easy to moderate category. अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ इसके बारे में कुछ भी तो ये फिर आपका एक एक नई कैटेगरी बनाते हैं इसकी, विच इज कॉल्ड इम्पॉसिबल कैटेगरी. तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा. तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही. माय नेम इज रोहित गर्चा, दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन्यु IAS.